हेलो गाइस, देखिए भाई, हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने मॉलिक्युलरिटी डिस्कस की थी। लास्ट टाइम पे हम मॉलिक्युलरिटी के अंदर हमने एलिमेंट्री रिएक्शंस एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के साथ डील किया था। आज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को डिटेल में हम डील करेंगे, उसके मैकेनिज्म के, उसकी मॉलिक्युलरिटी के और उसके रेट के बारे में हम डील करें। एलिमेंट्री रिएक्शन हमने बोला था वो रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में होंगे, सिंगल स्टेप रिएक्शंस को क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रिएक्शंस हमने बोला था रिएक्शंस विच कंप्लीट इन विच या विच टेक्स प्लेस इन मल्टीपल स्टेप। मल्टीपल स्टेप में होंगे वो क्या होंगे आपकी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर आपका, हम एग्जांपल लेके चलते हैं, आर्बिट्रेरी कोई भी एक रिएक्शन सपोज करो, ए टू प्लस बी टू गिव्स टू ए बी। इसका मैकेनिज्म स्टेप वाइज कैसे हो रही है, पहले आपका A2 जो है उसका डिसोसिएशन हो रहा है 2A में, फर्स्ट स्टेप वन। हमने जूम किया स्टेप टू में क्या हो रहा है, आपका जो B2 है वो A के साथ कंबाइन होके क्या बना रहा है, AB प्लस B। और ये स्टेप है आपका स्लो, ये स्टेप आपका फास्ट। स्टेप थ्री, जो आपका ये जो B है और ये A जो बना था, ये A एंड B कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, AB, AB क्या आपका फास्ट। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर मॉलिक्युलरिटी की जब बात आएगी या रेट की जब बात आएगी तो हम कैसे डील करेंगे। तो देखिए, ये रिएक्शन चाहे आपकी कितनी भी फास्ट हो जाए, ये रिएक्शन चाहे आपकी कितनी भी फास्ट हो जाए, जो रिएक्शन पहले ही फास्ट हैं वो और भी चाहे उनकी स्पीड बढ़ जाए तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो ओवरऑल रिएक्शन को डिटरमाइन करेगा वो कौन करेगा, स्लोएस्ट स्टेप। ओवरऑल रिएक्शन की जो आपकी रेट की बात जो उससे डील करेगा, आपकी ओवरऑल रिएक्शन जो फास्ट होगी या स्लो होगी वो कौन बताएगा, स्लोएस्ट स्टेप। क्योंकि ये जितना ज़्यादा स्लो रहेगा रिएक्शन उतनी स्लो जाएगी, अगर ये फास्ट होता है तो आपकी रिएक्शन भी फास्ट होगी। तो जो मेन आपका जो है, जिसको हम बोलेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जिसको हम जनरली बोलेंगे RDS, वो कौन सा होगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो आपका स्लोवेस्ट स्टेप होगा। अब बहुत बार क्या होगा, आपको रिएक्शन के अंदर जो मैकेनिज्म लिखा मिलेगा वहाँ पे मिल जाएगा कि कौन सा आपका फास्ट स्टेप है, कौन सा आपका स्लो स्टेप है। लेकिन कई बार अगर आपको स्लो या फास्ट रिएक्शन में नहीं गिवन है कौन सा स्टेप आपका स्लो है या कौन सा आपका फास्ट है, उस केस में क्या करेंगे, अब उस केस में जिस स्टेप के अंदर आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, स्टेप इन विच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टेक्स प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टेक्स प्लेस इज कंसिडर्ड एज स्लोएस्ट स्टेप और वी कैन से RDS। वो स्टेप जिसके अंदर आपका प्रोडक्ट बन रहा होगा उस स्टेप को हम स्लोएस्ट स्टेप कंसिडर करेंगे, या फिर हम बोले RDS उसको कंसिडर करेंगे। तो आप जो रेट हमें पता है, रेट लॉ में हमने पढ़ा था, जो रेट जो आपका डिफाइन है, रेट इज डिफाइन ओनली फॉर रिएक्टेंट। हम रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखते हैं रेट। और हम दूसरी चीज, हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम बोल रहे हैं रेट किस पे डिपेंड करेगा आपका, स्लोएस्ट स्टेप पे। तो स्लोएस्ट स्टेप में जो रिएक्टेंट है उस पे डिपेंड करेगा। अब अगर इस रिएक्शन के मैं रेट की बात करूं तो मेरा रेट जो आना था वो किसके इक्वल आना था, के ए टू की पावर अल्फा बी टू की पावर बीटा, ठीक है भाई। लेकिन ये जो आपका एग्जैक्ट अल्फा एंड बीटा की वैल्यू हम कहां से पता करेंगे, हम मैकेनिज्म से पता करेंगे। यहां पे मैकेनिज्म से कैसे पता करेंगे, यहां पे हम अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे।
आपकी दो अप्रोक्सीमेशन होती यूज की जाती हैं, एक होती है आपकी इक्विलिब्रियम और एक हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, जिसको जनरली SSA से लिखा जाता है। SSA आपके सिलेबस में है नहीं, इक्विलिब्रियम से हम आपको बताएंगे कि कैसे हम डील करेंगे। तो आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए आपके माइंड में होना चाहिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होगा, जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा। अगर गिवन नहीं है हमें, देन उस स्टेप को हम स्लोवेस्ट RDS मानेंगे जिसके अंदर आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है। रेट किसके लिए डिफाइन होगा, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट के लिए डिफाइन होगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो रेट लो लिखोगे वो किसके लिए लिखोगे, स्लोवेस्ट स्टेप के लिए आप लिखोगे। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर आप कैसे रेट या ऑर्डर को आप बताओगे, जनरली ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दी मिलेगी उसका मैकेनिज्म देंगे आपको और पूछेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। अब एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करें तो एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर तो सिंगल स्टेप रिएक्शन होंगी। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या रहेंगी आपकी, सिंगल स्टेप रिएक्शन रहेंगी। सो इनके लिए मोलिकुलरिटी आप डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हो, मोलिकुलरिटी इज डिफाइंड, इनके लिए डिफाइंड है। आपको जस्ट नंबर चेक करने हैं कितने आपके रिएक्टिंग स्पीसीज के कोलाइड कर रहे हैं, कितने नंबर कोलाइड कर रहे हैं, वही आपकी क्या है मोलिकुलरिटी है, वो आपने लास्ट क्लास में देखा था। कॉम्प्लेक्स के लिए फिर से बोल रहा हूँ, रेट और मोलिकुलरिटी सिर्फ और सिर्फ स्लोएस्ट स्टेप डिसाइड करेगा। उसके लिए हमें क्या लिखना है, आपका रेट लो लिखना है और फिर हम आगे देखते हैं। तो अभी जो बात आएगी कि हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए रेट कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें मैकेनिज्म पता होना चाहिए। अब मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ ए रिएक्शन। स्टेप बाय स्टेप कौन कौन सी आपकी प्रोसेस हो रही है रिएक्शन के अंदर, उस चीज को हम क्या बोलेंगे मैकेनिज्म, कि कौन कौन सी प्रोसेस आपकी हो रही है उस चीज को क्या बोलेंगे। और ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है या फिर कुछ लोग बोलते स्टेप बाय स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन। एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जितनी भी आपकी स्टेप्स रहेंगे वो सारी की सारी रिएक्शंस कैसी रहेंगी, एलिमेंट्री रिएक्शन रहेंगी। कैसे रहेंगी, उसके साथ हम डील करते हैं। सपोज करो एग्जांपल लिया हमने ओजोन, डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन, ओजोन का डिकम्पोजिशन हो रहा है, क्या बना रहा है O2। अब बैलेंस किया, ये आपका हो गया ये 2 और ये आपका 3 हो गए भी। अब इसकी अगर मैं बात करूं, इसके लिए रेट लो अगर मैं लिखता हूँ तो रेट लो से क्या आएगा, डायरेक्टली यहाँ से मैं रेट लो से रेट लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू रेट लो, आपका रेट क्या आ गया K O3 की पावर अल्फा, यह एलिमेंट्री अगर इसको कंसिडर करूँ तो जो भी आएगा अल्फा, हम 2 तो कंसिडर करेंगे नहीं, एलिमेंट्री अगर एलिमेंट्री करेंगे तो 2 आ जाएगा बट वो है नहीं, हमने मान लिया अल्फा। That means किसके लिए रेट किसके लिए डिफाइन होगा, रिएक्टेंट के लिए। अब इसका मैकेनिज्म देखो भाई, मैकेनिज्म में क्या होता है स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले क्या होता है आपका जो ओजोन है वो ब्रेक होता है और यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा O2 प्लस आपका ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन, ये जो होगा ये आपकी फास्ट रिएक्शन होगी। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो दूसरा मॉलिक्यूल है ओजोन का वो इसके साथ कंबाइन करेगा सॉरी नेसेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और बनाएगा आपका 2O2। ये जो प्रोसेस होगी ये क्या होगी, स्लो प्रोसेस। तो ये क्या बन गया आपका RDS। तो इसके लिए रेट क्या होगा आपका, रेट हो गया के कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन एंड नेसेंट ऑक्सीजन। बट हमें पता है नेसेंट ऑक्सीजन तो रिएक्टेंट है ही नहीं हमारा, रेट लो तो सिर्फ किसके लिए डिफाइन है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट के लिए। तो नेसेंट ऑक्सीजन तो आपका रिएक्टेंट में था ही नहीं, तो इस टर्म को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो इसकी हमें वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए ये इस इक्विलिब्रियम की बात करता हूँ, ये आपका के इक्विलिब्रियम किसके इक्वल आएगा आपका, बोलो भाई, कंसंट्रेशन ऑफ O2 कंसंट्रेशन ऑफ O डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ O3।
आएगा। अब यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, कंसेंट्रेशन ऑफ ओ किसके इक्वल आएगा, के इक्विलिब्रियम ओ थ्री डिवाइडेड बाई ओ टू। इस ये वाली टर्म में यहाँ पे पुट करता हूँ, मेरा रेट किसके इक्वल आ गया, के ओ थ्री और ओ की जगह ओ थ्री डिवाइडेड बाई ओ टू, किसके इक्वल आ गया, के ओ थ्री का स्क्वेयर एंड ओ टू माइनस वन। ओ टू क्या आ गया, माइनस वन। तो यहाँ से मेरा ऑर्डर क्या आ जाएगा, फिर टू माइनस वन किसके इक्वल आ गया, वन के। तो मैकेनिज्म से ये चीज़ आपको पता लग गई, ऑर्डर क्या था, वन। अगर यहाँ से आप टू पुट करते तो आप क्या बोलते कि इसका ऑर्डर क्या है, टू। लेकिन नहीं, ओजोन के डीकम्पोजिशन का ऑर्डर जो रहेगा वो क्या रहेगा, वन। वो हम मैकेनिज्म से निकालेंगे। ओजोन का डीकम्पोजिशन एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। एक और हम लेते हैं, उससे हम डील करेंगे। देखो, सपोज करो एक और एग्जांपल अपने पास है, 2NO प्लस O2 गैस गिव्स 2NO। रिएक्शन को देख के हमें मोलिकुलरिटी क्या लग रही है, 3। इसका हमें मैकेनिज्म गिवन है, इसका हमें मैकेनिज्म गिवन है। क्या मैकेनिज्म गिवन है वो देखते हैं। हमें गिवन है स्टेप वन, NO गैस प्लस O2 गैस, यहाँ पे आपका एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, NO3 गैस, ये आपका K इक्विलिब्रियम। ये जो आपकी रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन है फर्स्ट। स्टेप टू आपको गिवन है NO3 गैस प्लस NO गैस, ये आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, 2NO2 गैस। ये प्रोसेस कैसी है आपकी, स्लो प्रोसेस है। इसके लिए आपका, ये आपका RDS होगा, तो आपका रेट क्या आएगा भाई, रेट आएगा क्या, K। अगर हम रिएक्शन से लिखते हैं, यहाँ से रेट लिखेंगे, तो आपका क्या आएगा, K कंसंट्रेशन ऑफ NO की पावर अल्फा O2 की पावर बीटा। क्या आएगी अल्फा एंड बीटा, वो हम बाद में नहीं कैलकुलेट करेंगे। K स्लोएस्ट स्टेप के लिए लिखता हूँ NO3 एंड NO, NO3 तो रिएक्टेंट है ही नहीं, तो इस चीज़ को तो एलिमिनेट करना पड़ेगा। कैसे एलिमिनेट करेंगे, सेम के इक्विलिब्रियम आपका कंसंट्रेशन ऑफ NO3 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ NO एंड O2। यहाँ से मेरे पास आ गया कंसंट्रेशन ऑफ NO3 के इक्विलिब्रियम इंटू NO इंटू O2। ये वैल्यू मेरे को पुट करनी है, रेट क्या आ जाएगा मेरा, K इंटू के इक्विलिब्रियम NO3 की जगह आ गया NO इंटू O2 इंटू NO। ये इन दो, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे, कोई नया कांस्टेंट आ गया, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, NO का स्क्वायर इंटू O2। सो यहाँ से आपका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 3। यहाँ से क्या आ गया आपका ऑर्डर, 3। तो ये आपकी क्या थी, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थी। तो कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सा है, जस्ट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर आपको ये चीज माइंड में रखनी है, जो रेट लो लिखना है वो किसके लिए लिखना है, स्लोवेस्ट स्टेप के लिए। अगर स्लोवेस्ट स्टेप के अंदर आप रेट लो लिखते हो, ऐसा कोई भी टर्म आ गई जो रिएक्टेंट में प्रेजेंट नहीं है, जो रिएक्टेंट आपका नहीं है ओवरऑल रिएक्शन का, देन आपको उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा रेट लो से। कैसे एलिमिनेट करोगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूज करोगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कंसंट्रेशन जो भी आपकी टर्म जो रिएक्टेंट में नहीं गिवन है, उस टर्म को दूसरी टर्म्स में, दूसरे एलिमेंट्स की टर्म्स में निकालोगे और उसको जस्ट पुट करना है। आपके पास क्या आ जाएगा, आपका रेट लो, और आप क्या लिख दोगे उसके लिए, ऑर्डर, ठीक है भाई। चलो एक और हम लिखते हैं, सपोज करो अपने पास एक और है N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का डीकम्पोजिशन 4NO2 प्लस O2। इसके लिए हमें मैकेनिज्म गिवन है, क्या मैकेनिज्म गिवन है, स्टेप वन हमें गिवन है N2O5 गैस जो है वो आपकी डिसोसिएट होके देगी NO2 गैस,
प्लस NO3 गैस। ये आपका स्लो स्टेप है, ये क्या आपका स्लो स्टेप है। स्टेप सेकंड N2O5 प्लस NO3 गैस, ये क्या देगा आपको 3NO2 गैस प्लस O2। ये आपका क्या है फर्स्ट। तो हमें तो रेट लोग इसके लिए लिखना है, स्लोएस्ट स्टेप के लिए क्या गया KN2O5, जस्ट डायरेक्टली जो था वही आपका क्या गया रेट। तो एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए एक और बात यहाँ पे लिख देता हूँ, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए आपका ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी, ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी जनरली सेम रहते हैं, जनरली इक्वल रहते हैं, ऑलवेज नहीं बोला है, जनरली इक्वल रहते हैं। इसलिए हम इसके लिए हम ऑर्डर लिख रहे थे कि क्या ऑलवेज वन। कुछ एक दो एक्सेप्शंस हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है, तो आपको माइंड में रखना है एलिमेंट्री रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शंस के लिए जो मोलिकुलरिटी और ऑर्डर रहेगा वो आपका क्या रहेगा इक्वल रहेगा, इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा वन। अगर कोई भी रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, अगर उसका फर्स्ट स्टेप ही आपको स्लो स्टेप गिवन है तो उसमें तो आपको अप्रोक्सीमेशन यूज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर फर्स्ट स्टेप आपका स्लो नहीं है, सेकंड स्टेप या थर्ड स्टेप आपका स्लो है, देन आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी, आपकी अप्रोक्सीमेशन यूज करने की, अदरवाइज आप बिना अप्रोक्सीमेशन यूज किए ही सोल्व कर दोगे। तो ये आपका था मैकेनिज्म का मोलिकुलरिटी का। तो यहाँ पे आके आपकी मोलिकुलरिटी ख़त्म होती है। इस पे एक दो क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, एक दो सिंपल सिंपल क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछ भी रखे हैं, क्या मोलिकुलरिटी जीरो क्यों नहीं हो सकती, बिकॉज नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज जीरो नहीं हो सकते। एक रिएक्शन ये है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी डिफाइन है बट कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं, क्यों, बिकॉज कॉम्प्लेक्स में स्टेप वाइज होंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए जो स्टेप आरडीएस होगा उसी के लिए आपकी मोलिकुलरिटी आपकी डिफाइन है, अदरवाइज इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आगे मोलिकुलरिटी खत्म होती है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।